दोस्तों, यदि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है या लैपटॉप है, जो भी है, डेस्कटॉप है, तो उसमें आपने जरूर सोचा होगा, क्या हम व्हाट्सएप चलाएं और व्हाट्सएप से ही कॉल कर रहे हैं। मतलब अपने व्हाट्सएप जैसे आप मोबाइल में यूज करते हैं, उसी प्रकार अपने डेस्कटॉप पर भी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। देखो, अगर आप व्हाट्सएप वेब चलाते हैं आप, तो वहाँ भी आपको कॉलिंग का ऑप्शन नहीं आता है जैसे आपको मोबाइल में करते हैं वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। तो ये समस्या है आपको व्हाट्सएप किसी ब्राउजर में, अगर आप वेब व्हाट्सएप चलाते हैं ये समस्या वहाँ पे आती है। लेकिन ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी वीडियो के आखिरी तक, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना है वीडियो को। यहाँ पे क्या है, इसमें आपको ऑप्शन आ रहा है जिसमें हम सिर्फ ब्राउजिंग कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, मतलब वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह भेज सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से, वेब व्हाट्सएप से डायरेक्ट ब्राउजर से ब्राउजर आप कॉल नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है, आपको अगर विंडोज चलाते हैं तो विंडोज के लिए आप जो है स्टोर में जाके डायरेक्ट व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में चले जाइए, वहां से व्हाट्सएप मैसेंजर डाउनलोड कर लीजिए, तो डेस्कटॉप मैसेंजर आपका डाउनलोड हो जाएगा। आप उसमें करेंगे तो आपका जो है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे सर्च करना है। आप यहाँ पे व्हाट्सएप लिख के सर्च कर लीजिए व्हाट्सएप, तो हमारे पास व्हाट्सएप आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं व्हाट्सएप का ऐप हमारे कनेक्ट हो जाएगा। अब देखो व्हाट्सएप हमारे पास मैसेंजर आ गया है सोशल मीडिया। तो ये जो है आप यहाँ से गेट करेंगे तो उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में। तो वहाँ से नहीं तो आप डायरेक्ट whatsapp.com/download पे जाके आप देखो, यहाँ पे तीनों ऑप्शन आ रहा है, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए, विंडोज के लिए। तो विंडोज के लिए आप जो है यहाँ से डायरेक्ट आप जो है व्हाट्सएप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इस जो आपने डाउनलोड किया है ये ऐप, इसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास इस तरीके से लुक आएगा। देखिए जैसे मेरे आ रहा है, ये जो लुक आ रहा है इस प्रकार से आपका आएगा। व्हाट्सएप ये भी 64 बिट पे ही काम करता है, 32 बिट के लिए क्षमा चाहता हूँ, ये उसके लिए बनाया नहीं गया है, ये आपको 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करेगा। तो उसके लिए जो है आपको देखिए कोई भी आप नंबर ले लीजिए, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट वीडियो और ऑडियो कॉल करने का भी ऑप्शन आ जा रहा है। तो इस प्रकार जो है आप किसी को भी वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से ये सब कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी यूजफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।